HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने लंबे लंबे छक्कों के मशहूर और पूरी दुनिया में सिक्सर किंग के नाम से जाने वाले युवराज सिंह को। तो वैसे आपने मैदान में बहुत कम भावुक होते देखा होगा। अपने मैदान में युवराज को आखिरी बार रोते हुए 2011 के एक दिवसीय विश्व कप को जीतने के बाद देखा होगा। लेकिन अंडर 19 टीम की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवराज सिंह ने साल 2000 में ICC नॉकआउट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम में पदार्पण किया। भारतीय टीम में नए नवेले युवराज सिंह को प्रयोग के तौर पर गांगुली खिलाना चाहते थे। इसके बारे में उन्होंने अपनी मंशा पहले ही सबके सामने जाहिर कर दी थी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अगला मैच केन्या के विरुद्ध खेलना था। मैच के एक दिन पहले टीम के कप्तान सौरव गांगुली युवराज सिंह के पास आए और बोले, क्यों ओपनिंग करेगा? सौरव गांगुली का यह सवाल सुनकर युवराज सिंह कुछ देर के लिए अवाक रह गए। लेकिन अब कप्तान ने कहा था तो हाँ तो कहना था, युवराज सिंह ने अनमने ढंग से हाँ कह दी। लेकिन युवराज सिंह गहरे सोच में पड़ गए। अब युवराज सिंह को रात में इस सोच की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें उस रात सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ी और वे सो गए। अगली सुबह जब वह उठे तो वही बात उनके जहन में घूम रही थी। इसी बीच गांगुली उनके पास आए और पूछा, और कैसे हो? गांगुली युवराज के टेंशन को भांप गए और उन्होंने उससे कहा, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। इसके बाद युवराज की जान में जान आई और युवराज सिंह से गांगुली ने ओपनिंग नहीं करवाई, बल्कि उस मैच में युवराज की बैटिंग भी नहीं आई। भारत ने स्कोर को चेज करते हुए 2 विकेट बनवाकर केन्या के द्वारा दिया गया 209 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।